بسم الله الرحمن الرحيم جنون نسبت پا کاندی مل جاوے جنون نسبت پا کاندی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا अल्लाह ताला दी हमदो शना तो बाद करीम अकाली सलात व सलाम दी बारगाह दे अंदर दरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम मेरे बुजुर्गो अजीज नौजवान साथियो आज मैं आप हजरात दे सामने अर्ज करांगा के अजरूए कुरान के निस्बत दे फायदे की होंदे ने निस्बत दा कमाल की है। मैं जेड़ी आयत करीमा दा हिस्सा आप हजरात दे सामने पढ़िया है उदे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि बेशक सफा ते मरवा ए दोवें पहाड़ियां अल्लाह दी निशानियां विचों एक निशानी ने। तवज्जो है तुहाडी मेरे वल, अल्लाह दी निशानियां चो एक निशानी ने सफा ते मरवा अल्लाह दियां निशानियां चो एक निशानी ने। जेडे अहबाब तशरीफ लै गए ने ओ जानदे ने कि ए पहाड़ियां ना सोने दियां ने, तवज्जो है तुहाडी मेरे वालिया, ते ना ए चांदी दियां ने, ना इन्हां दे नाल हीरे और जौहरात कोई जुड़े ने, लेकिन जमाने दे सोना ते चांदी इकट्ठा कर लियाओ ते ओ एक पासे ते आशक नू इन्ना पहाड़ियां दी मट्टी दी एक पूड़ी बना के दे दियो ते ओ एक पासे रख लवेगा। आखर इन्ना पहाड़ियां दा जिक्र कुरान विच अल्लाह ने क्यों फरमाया? अगर ते पहाड़ां दी पुख्तगी दी वजह तो और पहाड़ा दी बुलंदी दी वजह तो अल्लाह ने अगर कुरान च जिक्र करना सी ते फिर माउंट एवरेस्ट दा कीता जांदा, जेड़ी सब तो बुलंद तरीन चोटी है उहदा जिक्र कीता जांदा, या केटू पहाड़ी दा जिक्र कीता जांदा कि भाई ये इतनी बुलंद तरीन चोटी है। लेकिन याद रखना अल्लाह ने ना माउंट एवरेस्ट दा जिक्र कुरान च कीता है, ना केटू पहाड़ी दा जिक्र कुरान च कीता है, ना किसी और पहाड़ दा,
कि जिन्हां विचों मादनियात निकलते ने, किसी चो सोना निकलता, किसी चो चांदी निकलती, किसी चो कोई चीज निकलती है। अल्लाह ने किसी ऐसे पहाड़ का जिक्र कुरान विच इंज नहीं किया जिवें ये किया है। या अल्लाह ये मट्टी दे पहाड़ ने, पत्थर दे पहाड़ ने, इन्हां दा जिक्र कुरान विच क्यों किया है? माउंट एवरेस्ट इतनी बुलंद चोटी है, उहदा जिक्र कुरान विच या अल्लाह क्यों नहीं? फरमाया मैं कद वेख के जिक्र नहीं करता, मैं निस्बत दा हया वेख के जिक्र करना। फरमाया मैं ये नहीं वेखदा कि किदा कद कितना है, उहदा कद काठ कितना है, और उहदे कोल दौलत कितनी है, उहदे अंदर खजाना कितना है, उहदे बाहर खजाना कितना है, वो अंदरों कितना सोहना है, बाहरों कितना खूबसूरत है, मैं ये नहीं वेखदा। अल्लाह ने फरमाया मैं ते निस्बत वेखी है, ते इन्हां पहाड़ां दा जिक्र मैं कुरान च कीता। या अल्लाह किस अंदाज च? फरमाया इन्नस सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। फरमाया सफा ते मरवा ये दोवें पहाड़ियां ने। फरमाया ये मेरी निशानियां चों एक निशानी है, ते या अल्लाह इन्हां दा जिक्र कुरान च क्यों कीता है? फरमाया तेनू पता नहीं इन्हां पहाड़ियां दे उत्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बीवी ते इस्माईल अलैहिस्सलाम दी मां हजरत हाजरा दे कदम लगे ने। फरमाया इब्राहीम भी नबी है, इस्माईल भी नबी है, पर एक दी ये बीवी है, एक दी ये मां है, लेकिन ए नबिया नहीं, ए वलिया है। फरमाया जे वलिया दे पैर ईमानदारी नाल दस जिन्ना पहाड़ियां ते लग जान, अल्लाह उन्हां दा जिक्र ते कुरान च रख देंदा है, ते जिन्ना पहाड़ियां ते पैर मुस्तफा दे लग जान, अल्लाह उन्हां दा अल्लाह अल्लाह जिन्नू निस्बत पा नाल दरा जिन्नू निस्बत पा कादी मिल जावे ओ अल्लाह अल्लाह जिन्नू निस्बत पा कादी मिल जावे ओ। आवाज नहीं आई जन्नती ते दरा आवाज मुहब्बत दे नाल आखना जिन्नू निस्बत पा कादी मिल जावे ओ। ये पावे कुत्ता होवे बैठा किसे गार दे बूहे ते, पाड़ो जरा पावे सुनिए जनाबे वाली अल्लाह करीम ने कुरान ने अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। फरमाया ए सफा ते मरवा मेरिया निशानियां दे विचों, अल्लाह ने फरमाया एक निशानी है, जरा तवज्जो दे नाल। दूसरी जगह ते अल्लाह ने फरमाया फरमाया ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين। الله كريم نے فرمایا लोगो ईमान वाले हो अल्लाह दे कोलों डर जाओ। फरमाया वकूनु मा सादिकीन, फरमाया सच्चियां दे नाल संगत इख्तियार कर लो। अल्लाह फरमांदा डरो मेरे कुल ते संगत गैर अल्लाह दे नाल ला लो। एक मसला समझ लो, अल्लाह फरमांदा डरो मेरे कुल ते हुक्म की पे करदा संगत वकून मा सादिकीन, पर मैं सच्चियां दे नाल हो जाओ। किन्ना दे नाल हो जाओ? सच्चियां दे नाल। ते ए वली जड़े ने ये अल्लाह ने बोलो तो सही है यार, मुंह चो दा जुबान ते लै करो कड़ा तुहानूं को फड़ के। वली अल्लाह ने, अल्लाह ने, ये गैर अल्लाह नहीं।
गैर अल्लाह ने ना अल्लाह थे नहीं गैर अल्लाह ने अल्लाह होके पियांदा है कि गैर अल्लाह नाल जुड़ जाओ अल्लाह होके पियांदा है अल्लाह ने फरमाया जनाबे वाली गैर अल्लाह दे नाल जुड़ जाओ चंगियां दे नाल संगत ला लो अल्लाह करीम ने जनाबे वाली कुरान के अंदर फरमाया फरमाया ईमान वालों अल्लाह दे कोलों डर जाओ फरमाया सच्चियां दे नाल अपनी संगत इख्तियार कर लो अज मैं दसना एवें निस्बत दे फायदे की ने निस्बत दे कमाल की ने आओ जरा सुनिया जे छै भावें हौली होवें निस्बत आला दे नाल हो जाए वो शै अदना नहीं रह जांदी ओ भी आला हो ओ भी जनाबे वाली आला बन जांदी है अगर अदना दी निस्बत आला दे नाल हो जाए वो चीज अदना नहीं रह जांदी वो भी आला हो जांदी है किवें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊंटनी वो भी जन्नती हजरत जनाबे वाली उज़ैर अलैहिस्सलाम दा गदा वो भी जन्नती मेरे करीम आका दा खच्चर वो भी जन्नती हजरत फातिमा दी ऊंटनी वो भी जन्नती जेड़ी मछली दी निस्बत हजरत यूनस अलैहिस्सलाम दे नाल होई वो भी जन्नती जेड़े घोड़े दा ताल्लुक मौला अली दे नाल होया वो भी जन्नती ईमानदारी दे नाल जरा दसना सालेह अलैहिस्सलाम दी उठनी ने नमाजा नहीं पढ़िया हजरत उदैर अलैहिस्सलाम दे खोते ने जनाबे वाली नमाजा नहीं पढ़िया मेरे करीम आका दे खच्चर ने कोई काबे दा तवाफ नहीं कीता हजरत यूनस अलैहिस्सलाम दे नाल जिस मछली दा ताल्लुक है उन्हें कोई जकात नहीं दिती हजरत मौला अली दे घोड़े ने जनाबे वाली कोई राती उठ के नफल नहीं पड़े लेकिन जानवर जन्नती ने या अल्लाह जानवर होर भी ने पर ए जन्नती क्यों ने फरमाया बाकी जानवर जानवर ने किसे दी निस्बत किसे चौधरी दे नाल किसे दी निस्बत एमपीए दे नाल किसे दी निस्बत एमएनए दे नाल किसे जानवर दी निस्बत किसे अमीर दे नाल इना सारियां दी निस्बत मुहम्मद दे फकीर दे नाल जनाबे वाली अल्लाह करीम ने फरमाया फरमाया इन्हां दी निस्बत जेड़ी है फरमाया मेरे पाकां दे नाल है इन्हां दी निस्बत वलियां दे नाल है इन्हां दी निस्बत जनाबे वाली फरमाया मेरे नबियां दे नाल है इन्हां दी निस्बत वलियां दे नाल है पता चल गया बंदा अदना भी होवे आला भी ना होवे बंदा गुनागारों में सियाकारों में बदअमालों में बद किरदारों में गंदा मंदायों में लेकिन किसे दा ताल्लुक दाता अली हुजवेरी दे नाल जुड़ जाए ख्वाजा जमेरी दे नाल जुड़ जाए पाक पतन दे ताजदार दे नाल जुड़ जाए हिंदुल वली दे नाल जुड़ जाए जनाबे वाली सुल्तान बाहू दे नाल जुड़ जाए मुजद्दद पाक दे नाल जुड़ जाए निजामुद्दीन औलिया दे नाल जुड़ जाए कुतुबुद्दीन बुख्तियारे काकी दे नाल जुड़ जाए जिदा तल्लक ख्वाजा बहावल हक दे नाल जुड़ जाए तल्लक पीर सियाल दे नाल जुड़ जाए तल्लक पीर पठान दे नाल जुड़ जाए तल्लक फखरे आलम दे नाल जुड़ जाए अल्लाह फरमांदा चलिया फिर मैं तेरे गुनाह नहीं वेखदा मैं तेरे अमाल नहीं वेखदा फिर मैं अपने यारां दा जमाल वेखना बेड़ा पार तवज्जो फरमाओ तो जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रहा जिन्नू निस्बत पाकां दी मिल जावे ओ जन्नती है अगर
किसे दे गले दे अंदर किसे निस्बत दा फटाया है वे ते मुहब्बत दे नाल रसीद हो जाना मेहरबान। अगर किसे दे निस्बत दा पटा किसे दे गले दे अंदर है ते मुहब्बत दे नाल मेरे नाल पढ़ दे जाना जिन्नू निस्बत पा कांदी मिल जावे जिन्नू निस्बत पाका दी मिल जावे ओ जन्नती ये पावे कुत्ता होवे बैठा किसे गार दे बूहे ते पावे कुत्ता थोड़ा थोड़ा मुंह खोल लो जरा यार जौक बन जाएगा पावे कुत्ता होवे बैठा किसे गार दे बूहे जौक दे नाल जरा इंदी मुहब्बत दे नाल याद रखना मेरे करीमा काली सलात व सलाम दे गुलामो निस्बत दा बड़ा कमाल है निस्बत दा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बड़ा मकाम है निस्बत दा मेरे रब दी बारगाह दे अंदर बड़ा ही हया है। आओ मैं जरा तुहानू समझाण दी खातर एक मिसाल देना चाहना पानी भी अल्लाह दी नेमत है दुध भी अल्लाह दी नहीं मेरे नाल जरा बोलना जे पानी भी अल्लाह दी ते दुध भी अल्लाह दी नेमत है लेकिन पानी बेकीमत है दुध कीमत नाल वेखदा है पानी बेकीमत है ते दुध कीमत दे नाल वेखदा है। पर मैं ये जरूर अर्ज करा मेराज दी रात मेरे आका नू दुध भी पेश कीता गया शराब भी पेश कीती गई जरा तवज्जो करना मैं एक जुमला समझाना चाह रहा हूं मेरे करीम आका अली सलातो सलाम ने जनाबे वाली अपनी उम्मत लई दुध पसंद फरमाया की पसंद कीता ते आ जड़े व्याह शादियां ते माड़ा मोटा पानी चलांदे हो ओ रसूलुल्लाह दी उम्मत च ने कोई जवाब है कोई नहीं गल जी बाबे भी बेची शामिल होंदे ने मैं क्या बाबा जी पुत्र नु डकया नहीं दे वो मैं क्या खीरी खीरी चलो व्याह है ते मुंडियां दा चलो कोई अपना शुगल होंदा मैं क्या ये गल पक्की है कि मैं क्या बाबा जी व्याह वेख के ही मरना है पहलों जे मौत आ गई तो पुत्रां दा जवाब आप तुसी ते अपना देन जोगे नहीं तो पुत्रां दा देन जोगे आओ मैं क्या बाबा जी एक चीज मेरी याद रखिया जे सिर्फ तुहाडे अमाल दा ही तुहानू जांच पड़ताल नहीं होएगी औलाद दे अमल भी तुहानू ही पूछे जाणगे औलाद वखरा जवाब देगी बाबा जी तुसी वखरा जवाब दोगे ये याद रखना। आइए जरा सुनिए ते जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रहा मेरे करीम आका अली सलातो सलाम दे सामने दुध भी पेश कीता गया मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने शराब भी पेश कीती गई मेरे आका ने फरमाया मैं भी पाका मैं उन्हां लई शराब नहीं लैके जानी मैं अपनी उम्मत लई दुध लैके जावांगा मैं अपनी उम्मत लई दुध लैके जावांगा मेरे करीम आका अली सलातो सलाम ने अपनी उम्मत लई जनाबे वाली मेरे हुजूर ने जनाबे वाली दुध पसंद फरमा लिया लेकिन जेड़ी गल मैं निस्बत ही समझाना चाह रहा पानी बेकीमत है दुध कीमत दे नाल पिया वेखदा है लेकिन कई उम्मत दे अंदर बद किरदार ऐसे भी है ने बद अमाल ऐसे भी है ने जेड़े मज्जां ते गावां दे थाना चो दुध लैन के खालस पर हथां दे नाल ओदे विच पानी उंडेल देणगे ओदे विच पानी पा लैणगे याद रखना अज तुहानू मैनू ते पता नहीं लगदा एदे विच पानी है या नहीं लेकिन जेड़े किरामन कातबीन बैठे ने ए नाल नाल नोट कर लैणे फलां कोलो दुध लिया फलां वेले लिया फलां दुध विच इन्ना पानी पाया फलां दे नाल इन्नी बेईमानी कीती फलां दे नाल इतनी बद किरदारी कीती फलां दे नाल इतना धोखा कीता मैं क्या मौलवी नहीं वेखेगा पीर नहीं वेखेगा
वेखेगा, कोई रसूल उल्लाह दा कलमा पढ़ने वाला नहीं वेखेगा, लेकिन जेड़े किरामन कातबीन बैठे ने अमल मौलवी दा होवे ओना लिख लेने, अमल पीर दा होवे ओना लिख लेने, अमल अमीर दा होवे या गरीब दा होवे ओना ने लिख लेने। आ जरा सुनिया जे, पिंडों पानी वाला दुध नहीं लैके टुरदा, पिंडों खालस दुध लैके टुरना है, अगे आके पानी पा लेना है। लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं निस्बत की गल सुनान जा रहा, लेकिन एक चीज मेरी याद रखना, मेरे करीम आका ने फरमाया घट तोलन वाला ते जनाबे वाली मिलावट करने वाला। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा किसे शह विच मिलावट करेगा वो भी मेरी उम्मत विचो नहीं, जेड़ा किसे नाल धोखा करेगा वो भी मेरी उम्मत विचो नहीं, जेड़ा घट तोलेगा वो भी मेरी उम्मत विचो नहीं। ईमानदारी दे नाल दस दरा, रोजे अशर जिदे दरवाजे ते नबी भी दरखास्तां लैके आउणगे, वो जदों आदम तो लैके ईसा तक किसे नबी दी नहीं सुनी जाएगी, मेरे ते तेरे करीम आका दा फरमान चलेगा। उस वेले अगर मुस्तफा करीम ने तेनू वेख के आका ने फरमाया बाहर कढ दियो, ए मेरी उम्मत चो नहीं, दुध च पानी मिलांदा सी, फल विच जनाबे वाली घट तोलदा सी, ए जनाबे वाली दीगर चीजां दे अंदर मिलावट करदा सी, ए मेरी उम्मत विचो नहीं। दस फिर किदे दरवाजे ते जाएगा, जे मुस्तफा दा दरवाजा तेरे ते बंद हो गया फिर किदे दरवाजे ते जाएगा। आका ने फरमाया ना ना, याद रखना मेरे दोस्तों बात, जितनी मर्जी मिलावट करके जितना मर्जी घट तोल के अज औलाद दे पेट विच पा लवो, ओह औलाद हराम जदगी करदी नजर आएगी, रसूलुल्लाह दे दीन दा नारा मारदी नजर नहीं आएगी। याद रखना जितनी मर्जी बेईमानी करके औलाद नु खिला लो, ये तुहाडे कदे भी कबर दे अमाल दे अंदर कम नहीं आएगी। हाँ कबर दे अंदर इक्को ही चीज कम आएगी, अल्लाह दा कुरान कम आएगा, मदीने वाले दा फरमान कम आएगा, मदीने दे ताजदार दी नौकरी कम आएगी, हुजूर दा ना औलाद दा प्यार कम आएगा, ना यारां दा प्यार कम आएगा, ना रिश्तेदारां दा प्यार कम आएगा, ना किसे औलाद मां बाप बीवी भैन कुसे दा भी कोई कम नहीं आएगा। प्यार अगर प्यार कम आएगा सिर्फ मदीने वाले दा कम आएगा, होर किसे दा कम नहीं। आइए जरा जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रहा कि निस्बत की बात अर्ज करन लगा, अगर पानी उंज बेकीमत है लेकिन जो पानी दुध विच आ जांदे ओदी निस्बत पानी दी दुध दे नाल हो जाए, जेड़े पा दुध विकदे उसे ही पा पानी विकदे। नहीं समझ आई, जेड़े पा दुध विकेगा पानी आया भावे दुध विच पर ओदी निस्बत चंगी होई ते पानी दा भी मकाम वध गया। पानी दा भी मकाम हजरात तो जनाबे वाली मैं बार तर्ज कर रहा, दीदी निस्बत अच्छी होवेगी जिन्नू निस्बत पा कांदी मिल जावे जन्नती। ये जन्नती जन्नती जरा मुहब्बत दे नाल जन्नती जड़े होंदे ने उते बड़े बाज़ौक होंदे ने, मुहब्बत दे नाल पता लग जे भावे कोई मेरे करीब बैठा या दूर बैठा है, रसूलुल्लाह दी इज्जत दी नात सरकार दे प्यार विच मुहब्बत दे नाल पढ़िया करो, जिन्नू निस्बत पा कांदी मिल जावे। भावे कुत्ता होवे बैठा किसे घर ते, आइए जरा सुनिया जी, हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त दे कुतबोए ने
نسبت دی بات عرض کرن لگا ذرا توجہ دے نال حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب اللہ دے ولی وقت دے کتب ہوئے نے ایک دائریہ دے نال آپ دا مناظرہ ہو گیا وہ آکے خدا ہے ہی کوئی نہیں ایک کائنات ایویں مار دے وجود چا گئی ہے خدا کوئی نہیں اے دے چلان والا کوئی نہیں آپ نے بڑیاں دلیلاں دتیاں حضرت مالک بن دینار نے بڑے دلائل دتے انہیں ایک بھی دلیل نو نہ منیا ساریاں دلیلاں نو جنابے والی رد کردا گیا رد کردا گیا آخر کار مالک بن دینار نے اپنے کپڑے جھاڑے اٹھ کے کھلو گئے فرمایا آ جا انج فیصلہ نہیں ہونا آکے جی فیصلہ کنج ہونا ہے فرمایا اگ بال لینے ہاں وچ تو وی ہاتھ رکھ لے میں وی ہاتھ رکھ لینا پتہ لگ گیا جڑا جھوٹا ہوئے گا او دا ہاتھ جل جائے گا جڑا سچا ہوئے گا او بچ جائے گا کہن لگا جی بالکل ٹھیک ہے حضرت مالک بن دینار نے جنابے والی اگ جلا لئی مجمع لگ گیا پنڈ وچ رولا پی گیا اج جنابے والی دو لوگ اگ وچ جان والے نے اج جھوٹے تے سچے دا فیصلہ ہون والا ہے حق تے باطل دا فیصلہ ہون والا ہے اج غلط تے صحیح دا فیصلہ ہون والا ہے ذرا توجہ فرمانا جڑے ویلے جنابے والی اگ جلا دتی گئی حضرت مالک بن دینار نے اگ دے قریب ہو گئے آپ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے اپنے ہاتھ دے اوتے پھوک ماری پھوک مار کے جنابے والی ہاتھ نو اگ وچ رکھیا اگ نے آپ دے ہاتھ نو چھیڑیا بھی نہیں آپ دے ہاتھ نو جلایا نہیں آپ دے ہاتھ نو سیک نہیں لگا او تیری بھی کول کھلوتا ہے کہنے لگا میں بھی ہاتھ رکھنا آپ نے فرمایا اورا لیا ذرا ہاتھ آپ نے او دا ہاتھ پکڑیا اگ دے اندر رکھیا ہاتھ مالک بن دینار نے پکڑیا تے ہاتھ پکڑ کے آپ نے ان کر کے او دا اگ دے اندر بھائی علی صاحب رکھیا رکھی رکھیا نہ مالک بن دینار دا ہاتھ جلیا نہ اس دیریے دا ہاتھ جلیا او مالک بن دینار ول ویکھی آئے کہ میرا ہاتھ بھی نہیں سڑیا تیرا بھی نہیں سڑیا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے مالک بن دینار دے چھٹ پسینے گئے خیال آ گیا عرض کیتی یا اللہ میں سچا سچائی دے نال میں حق تے ہاں مطلب میرا سچا ہے میں حق تے کھڑا ہاں میرا بھی ہاتھ نہیں جلیا اے دا بھی ہاتھ نہیں جلیا یا اللہ حکمت کی ہے سچا کون ہے یا اللہ تو جانے زمانہ جان دے اے تیری ذات تو انکار پیا کر دے اے تینو منن تو انکار پیا کر دے اے نہ الہ من دے نہ رب العالمین من دے نہ خالق ارض و سماوات اے تینو من دے یا اللہ اے تینو من دا نہیں اے دا بھی ہاتھ نہیں سڑیا میں تینو الہ ماننا میں خالق ماننا رازق ماننا اپنا رب العالمین ماننا میرے اللہ تو میرا خالق ہے تو میرا مالک ہے علیم بذات صدور تیری شان ہے یا اللہ میرا ہاتھ بھی نہیں جلیا اے دا بھی نہیں جلیا آواز آئی مالک بن دینار میں کی کراں میں اس ظالم ول ویکھاں او دا ہاتھ تو پھڑیا یا تیری نسبت ول ویکھاں اللہ اللہ جنوں نسبت پا قاضی مل جاوے ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਣਾ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਿਸ ਹੌਲੇ ਆਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਪਾ ਕਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ذوق دے نال اللہ ولیاں دا پیار تہاڈیاں نسلاں
विच रखे इंदे जरा जौक दे नाल आखिया जे जिन्नू निस्बत पा कांदी मिल मालक बिन दिनार ने ओदा हाथ पकड़िया होया आवाज आई मैं दा हाथ साड़ा किवें फड़िया तू ए मैं दा हाथ जलावा किवें चीखा मार दिया हाथ पार कट लिया आपने फरमाया ओ अकल दिया नया पता लग गई कोई जात है जड़ी हाथ चलाना भी जान दिए बचाना भी जान दिए एक बारी जोक ने डंड के कह दो तेरा सारे सुभान अल्लाह आपने फरमाया हुन समझ आईया कोई जात ऐसी है जड़ी हाथ जलाना जान दिए ते हाथ बचाना भी जान दिए आपने फरमाया हुन की इरादा तेरा आंदा इरादा ते कोई एक ला इला ना यार इंज नहीं ना बाबा बुल्ले शाह दा कोई शेर है ना मियां साहब दा शेर है ना सुल्तान पाक दा शेर है एक कलमे हर बंदे नु आंदा है ते अपने ज़ौक दे नाल जरा पढ़िया दे आंदा ला इला पढ़िए ला इस कलमे दे राज नियारे ने पढ़ो इस कलमे दे राज इन डुबदे बेड़े तारे ने सानू दसिया मदीने वाले ने पढ़ो ला इला नाल पढ़ो ला इला याद रखना इस कलमे दा चराग कबर च बलेगा एवें ते जनाबे वाली पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ले आपने बड़ा खूबसूरत लिखिया आप फरमांदे ने एक तस्वीर दिखाई जाएगी जदों तू मर के कबर वे जाएगा फिर तेनू नकीर है ना के उठाणगे आप फरमांदे ने तवज्जो दे नाल फरमांदे ने फिर तेनू एक सोहनी सूरत विखाई जाएगी ओदे बारे फिर पुछया जाएगा जे सही दस दवेगा ते बेड़ा पार कर दिता जाएगा आप कितना खूबसूरत अंदाज है फरमांदे ने एक तस्वीर दिखाई जाएगी एक तस्वीर दिखाई एगी तस्दीक कराई जाएगी फिर तकदीर बनाई जाएगी पढ़ो ला इलाह दे नाल पढ़िए ला उन्हें क्या जी कलमा पढ़ा दे आपने जनाबे वाली कलमा पढ़ाया तो कलमा पढ़ के आप दे कोल बह गया आंदा हुजूर समझ नहीं आई पर मैं अजे भी नहीं आई आपने फरमाया की कहना चाहना आंदा हुजूर समझ नहीं आई जदों तुसा मेरा हाथ फड़िया ते अग विच रखिया जे अग विच रखिया जे ते मेरा हाथ अग ने नहीं साड़िया जिवें तुसा छड़िया है ओवें ही जनाबे वाली अग ने जनाबे वाली हाथ साड़ दिता है आपने फरमाया बेलिया मेरा ताल्लुक रसूलुल्लाह दी चौखट दे नाल है रसूलुल्लाह दा ताल्लुक डायरेक्ट खुदा दे नाल है अल्लाह ने ना मेरे वल वेखिया है ना तेरे वल वेखिया है उन्हें ते मुहम्मद दे चेहरे वल वेखिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ते अपने महबूब दे चेहरे वल वेखिया है मेरी निस्बत अपने आका दे नाल सी मैं तेरा हाथ पकड़िया है खुदा ने
नहीं क्योंकि तेरा हाथ मेरे हाथ दे अंदर है। ईमानदारी दे नाल दसो अज रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़न वाला अगर किसी गुनाहगार दा हाथ पकड़ लवे खुदा ओनू ते जहन्नम विच साड़दा नहीं ते जिदा हाथ कमली वाला आ पकड़ ले जिदा हाथ मदीने दता इदारा पकड़ ले ए निस्बत दी गल ने जरा गौर दे नाल सुनना। इमाम निभानी ने लिखिया हजरत अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला ले आप दे इलाके दे अंदर एक अल्लाह दे वली फौत हो गए अल्लाह दा वली चला गया। अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हुसैन ने उस अल्लाह दे वली नु गुसल दिता गुसल देन गए ते आप अखां खराब सन तवज्जो आप दी अखां खराब सन बड़े बड़े डाक्टरां नूं विखाइयां बड़े बड़े अमीरां नूं विखाइयां बड़े बड़े हकीमां नूं विखाइयां सारियां दवाइयां दित्तियां मगर आराम ना आया। अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हुसैन कहंदे ने मैं अल्लाह दे नेक वली हजरत तबाई रहमतुल्लाह ताला ले आप दे विशाल तो बाद मैं आप नु गुसल पिया देना अचानक आप दी नाफ ते पानी खड़ा हो गया। हजरत अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हुसैन ने वो नाफ ते जेड़ा पानी खड़ा है उन उंगली दे नाल लाया इन करके अपनी अखां दे नाल लाया ओ पानी जेड़ा अपनी अखां लाया आंदे ने अखां दे नाल लान दी देर मैनू इंज लगा जिवें मेरी अखां कदे खराब ही नहीं होया खराब ही नहीं होया। अर्ज की अल्लाह दवाइयां बड़िया लिया ने बड़े बड़े नुस्खे लैने आराम नहीं आया आवाज आई दवाइया बनाना ने और सन जिदी नाफ ते पानी खलोता है आम बंदा नहीं ये जिन्हें खुदा भी राजी कीता है मुस्तफा भी राजी कीता है। मोहब्बत ना नारा मारो जोक देना अल्लाह अल्लाह जिनू निस्बत पा कांदी मिल जावे ओ एक बारी जरा जौक दे नाल आखना यो जन्नती है जिनू निस्बत पा कांदी मिल जावे ओ। ईमानदारी दे नाल दर्ज कमली वाले दा कलमा पढ़न वाला मैं जुमला कहन लगा बाज़ौक बंदे दी झोली विच रखन लगा बेज़ौका बंदा नहीं बोलेगा बाज़ौक बंदा बाज़ौक उम्मती बाज़ौक नौकर वे जिदे सामने मालक दा जिक्र छिड़े ओदा तन भी रक्ष करे ओदा मन भी रक्ष करे। ईमानदारी दे नाल दस जिन्ना रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़िया उन्हां दी नाफ ते पानी खलो हो जाए ते ओ कोई खराब अखां ते ला ले अल्लाह शिफा दे सकदा है ओ जिदे नौकर दे वजूद दे नाल लगन वाले पानी विच शिफा आ सकदी है फिर कमली वाले दे लुआबे दहन विच शिफा आका दे लुआबे दहन विच शिफा क्यों नहीं आ सकदी। इंशाअल्लाहुल अजीज आइंदा जुमतुल मुबारक ते कुरानी वाकयात मैं आप हजरात के सामने पेश करांगा अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।